कोसोवो से बढ़ रहे तनाव के बीच सर्बिया ने ईरान से ड्रोन की एक बड़ी डील की। यूरोप के इन दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से जंग का नया मोर्चा खुल गया है और दोनों एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। कुछ रोज पहले तो एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सर्बिया की सेना की गाड़ियां अपने बॉर्डर की तरफ जाती दिखाई दी थी। तब माना जा रहा था कि कोसोवो से तनाव के बीच सर्बिया ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही उसके राष्ट्रपति ने सर्बिया की हवाई सीमा में कोसोवो के ड्रोन दिखते ही उन्हें मार गिराने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि ऐसा दावा किया गया था कि कोसोवो के कई ड्रोन सर्बिया के बॉर्डर के पास देखे गए थे। और अब खबर है कि कोसोवो के ड्रोन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सर्बिया ने ईरान से ड्रोन की एक बड़ी डील की है जो उसकी सीमा की सुरक्षा करने के काम आएंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में दुनिया ने ईरान के ड्रोन की ताकत देखी है। रूस ने तो ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना की कमर ही तोड़ दी थी। और इसी के बाद ईरान के खतरनाक ड्रोन की डिमांड बढ़ने का दावा किया गया। दुनिया के कई देशों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ईरान से ड्रोन की डील की और अब सर्बिया भी उन देशों में शामिल हो गया है जिसका झगड़ा कोसोवो से बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच भी जमीन की ही लड़ाई है। 1990 के दशक में सर्बिया और कोसोवो के बीच खूनी जंग भी हुई थी और फिर 2008 में कोसोवो ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया था, लेकिन सर्बिया आज भी कोसोवो को अपना हिस्सा मानता है और यही दोनों के बीच झगड़े की जड़ है। उत्तर कोरिया की तरफ से टेस्ट की गई खतरनाक मिसाइल का पहला वीडियो जारी कर दिया गया। वोसोंग 17 नाम की इस मिसाइल से किम जोंग उन अमेरिका तक को तबाह करने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये घातक मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखती है। उत्तर कोरिया ने इसकी टेस्टिंग से जुड़ा वीडियो जारी किया जिसमें आग उगलती ये मिसाइल आसमान की तरफ बढ़ती नजर आई। दावा किया गया कि शुक्रवार को टेस्ट की गई इस मिसाइल ने 6000 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक जाकर करीब 10000 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर जापान सागर में जा गिरी। उत्तर कोरिया के मुताबिक इस खतरनाक मिसाइल ने ये दूरी महज 70 मिनट में तय कर ली। हालांकि दावा है कि उत्तर कोरिया ने अभी इसकी आधी ताकत को ही आजमाया है। अगर ये पूरी क्षमता से वार करे तो 15000 किलोमीटर तक के दायरे में तबाही मचा सकती है। यानी किम जोंग उन ने सीधे सीधे बाइडेन को ये चेतावनी दी है कि वो जब चाहें अमेरिका का नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण कोरिया को बताया जा रहा है। खबर है कि दक्षिण कोरिया ने इससे निपटने के लिए अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर करने के इरादे से तैयार किया गया है। दावा है कि दक्षिण कोरिया ने इससे पहला टारगेट ध्वस्त कर लिया। वहीं दावा तो यह भी है कि इससे वो मिसाइल के अलावा दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने की तैयारी में भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की है, जिसने दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ा दी। इसके बाद से ही दक्षिण कोरिया लगातार अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। यहां तक कि जापान और अमेरिका की सेना का संयुक्त अभ्यास भी दक्षिण कोरिया में किया गया ताकि किम जोंग उन को कड़ा और सीधा संदेश दिया जा सके। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में रूस नया टैंक उतारने की तैयारी में है। दावा किया गया कि ये यूक्रेन के घातक टैंकों को धूल चटाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि इसे खास तौर पर पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले टैंकों से लोहा लेने के लिए ही बनाया गया है। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के घातक और ताकतवर T-14 अर्माता टैंक के साथ उसके जवान ट्रेनिंग करते नजर आए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस T-14 अर्माता टैंक को युद्ध में उतारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इस टैंक की खासियत पश्चिमी देशों और यूक्रेन को नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार पिछड़ने की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक T-14 अर्माता टैंक का वजन करीब 55 टन है और इसकी रेंज 5 से 12 किलोमीटर के बीच है, जो दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है। मतलब साफ है कि अगर इस टैंक ने हमला कर दिया तो दुश्मन की बर्बादी तय है, क्योंकि T-14 अर्माता टैंक में 12.5 मिलीमीटर की कॉर्ड मशीन गन लगी। ये मशीन गन 1 मिनट में 650 गोलियां दागती है और इसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर है। इसके अलावा इस टैंक में एक बार में 42 गोले रखे जा सकते हैं। गोले दागने के लिए इसमें ऑटो लोडर लगा है, मतलब गोले अपने आप ही लोड हो जाएंगे। दावा है कि इस टैंक का आर्मर यानी कवच बेहद मजबूत है। टैंक के कवच पर 2 बार हमला भी हो जाए तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा।